क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आइडेंटिकल मैट्रिक स्फीयर है ए एंड बी, ठीक, दो आइडेंटिकल मैट्रिक स्फीयर है ए और बी, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 2×10⁻⁵ न्यूटन के फोर्स से, 2×10⁻⁵ न्यूटन के फोर्स से। अब हमने क्या करा, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर है, अनचार्ज स्फीयर है सी, उसे हमने ए से टच किया और ए से टच कराने के बाद वापस से उसे हमने ए और बी के बीच में रख दिया, तो हमें बताना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज सी, ठीक। अब देखो, हम मान लेते हैं दो आइडेंटिकल स्फीयर है, तो सीधी सी बात है दोनों पे चार्ज सेम मान लेते हैं, क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू मान लेते हैं, ठीक। फोर्स हमें गिवन है, फोर्स कितना है 2×10⁻⁵ न्यूटन, किनके बीच में, ए और बी के बीच में, ए बी दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं आर, ये चार्ज हो गया क्यू, ये भी हो गया क्यू, ठीक, क्यू क्यू क्यू, ठीक। फोर्स कितना 2×10⁻⁵ न्यूटन, तो एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये हो गया 2×10⁻⁵ इक्वल टू के की वैल्यू 9×10⁻⁹, क्यू वन कितना नहीं पता, क्यू क्यू बाय आर कितना वो भी नहीं पता, आर स्क्वायर, तो यहां से क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2×9×10⁻¹⁴ -40। अब देखो इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने क्या करा कि एक अनचार्ज स्फीयर है सी, इस पे चार्ज कितना जीरो, इसे हमने टच कराया किससे, ए से, और टच कराने का मतलब है दोनों अगर आइडेंटिकल स्फीयर है तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक चार्ज दोनों पे इक्वल ना हो जाए, उस इक्वल चार्ज को निकालने का तरीका क्यू इक्वल टू हो जाएगा, इसे मान लेते हैं क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस क्यू क्यू सी प्लस क्यू ए बाय टू, दो बॉडी है तो दो हो गए तो क्यू बाय टू। अब इसके बाद टचिंग कराने के बाद बॉल सी पे भी चार्ज हो गया क्यू बाय टू और ए पे भी चार्ज हो गया क्यू बाय टू। अब इसे उठा के वापस से ए और बी के बीच में रख दो। अब देखो एक यहां पे रखा हमने ए, ए पे चार्ज कितना क्यू बाय टू और इधर रख दिया हमने बी, बी पे चार्ज कितना क्यू और इसके मिड पॉइंट पे रखा हुआ है एक चार्ज सी, सी पे कितना चार्ज बचा क्यू बाय टू। अब डिस्टेंस देख लो, मिड पॉइंट पे रखा है तो आर बाय टू और ये आर बाय टू। अब हमें इस पे चार्ज सी पे नेट फोर्स बताना है। अब देखो नेट फोर्स के लिए क्या करना है, ये सब सेम नेचर के चार्ज है तो रिपेल कर रहे होंगे, अब ए सी को रिपेल करेगी वो उसे पुश करेगी टुवर्ड्स बी, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और बी सी को पुश करेगी टुवर्ड्स ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब इस पे जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा, क्योंकि 180 पे एक फोर्स लगा होता रहेगा इधर, तो ज्यादा माइनस कम कर दो तो ज्यादा वाले की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक। अब देखो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा फोर्स को क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू, इधर से क्यू स्क्वायर बाय फोर, ये फोर्स बड़ा है क्योंकि उसका चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा है, तो एफ सी बी माइनस एफ सी ए, एफ सी बी माइनस एफ सी ए, ये नेट फोर्स हो जाएगा। एफ सी बी इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके चार्जेस का प्रोडक्ट बड़ा है, क्यू स्क्वायर बाय टू है जबकि ये क्यू स्क्वायर बाय फोर है, तो एफ सी बी कितना हो जाएगा वहां से, के क्यू स्क्वायर बाय टू, ये ऐसे लिख लेते हैं बढ़िया से, क्यू बाय टू इंटू क्यू बाय आर बाय टू का होल स्क्वायर माइनस एफ सी ए, एफ सी ए कितना हो जाएगा के क्यू बाय टू, क्यू बाय टू के क्यू बाय टू इंटू क्यू बाय टू बाय आर बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू आ गया हमारा के क्यू स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर बाय फोर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर स्क्वायर बाय फोर।
फोर से फोर कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, टू हो गया, टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹ और क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 × 9 × 10⁻¹⁴। क्या हो जाएगा, 2 × 9 × 10⁻¹⁴। 10⁻⁵ बचा, 9 से 9 कैंसिल, तो एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट आ गया हमारा 2 × 10⁻¹⁵, 2 × 10⁻¹⁵ न्यूटन। और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स एफ सी बी इज ग्रेटर देन एफ सी ए, मतलब टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए। क्लियर था।